4000 ग्राफ्स लगेंगे। ग्राफ्स? बालों की जड़ें हैं। किसके बालों में? तुम्हारे अपने बाल। टेंशन मत लो, हम पीछे से ले लेंगे। पीछे से कहाँ से ले लेंगे? तुम्हारे सिर के पीछे से, छाती, बगले, कहीं ना कहीं से हम एग्जाम कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूँ सुनील। और मैं हूँ मुनीश। और दोस्तों, आज जो हम ट्रेलर देखने जा रहे हैं वो है उजड़ा चमन मूवी का, और इसमें है सन्नी सिंह और मानवी गागरू। ओके, तो आइए देखते हैं इस ट्रेलर को। ये तो तेरे जैसा लग रहा है। ये तो तू ही है। सर, ये गलत बोल रहा था, मजाक बना रहा था मेरा। क्या बोल रहा था तू? सर, उजड़ा चमन। शट अप, तुम्हारे बाप की उम्र क्या है ये? सर, मैं 30 साल का हूँ। जन्म से पहले अगर विवाह नहीं तो लड़का आजीवन कुंवारा रहेगा, शादी होगी नहीं कभी। भाई डरा दिया। जा सकते बदल में अब वो आ गए हैं, क्या कहते हैं, उनकी मात्रा बढ़ती है ना तो एक अजीब सी आम धड़कने लगती है। चार बार भी घूम रहे यहाँ पे। चार पता है कि मैं ज्यादा हैंडसम नहीं हूँ, पर मेरा हमेशा सपना था कि मेरी ब्यूटीफुल बीबी हो। ये तो लड़के की होती है। अरे वो बड़ा वाला गुंबद है ना, उसी के लिए। वहाँ तो कोई गंजा आदमी खड़ा है। चांद निकला। चिकनी सड़क जो बोले यही बात, देखो जी चांद निकला। 4000 ग्राफ्स लगेंगे। ग्राफ्स? बालों की जड़ें हैं। किसके बालों में? तुम्हारे अपने बाल। टेंशन मत लो, हम पीछे से ले लेंगे। पीछे से कहाँ से ले लेंगे? तुम्हारे सिर के पीछे से, छाती, बगले, कहीं ना कहीं से हम एग्जाम कर लेंगे। छाती, बगले, कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। दाढ़ी, मूंछें, तुम्हारी छाती, बगले, कहीं से कर लेंगे। भाई अपना भी है, पर चलो बचा हुआ अभी थोड़ा। भाई जब वो बोलता है ना पीछे से ले लेंगे, पीछे से कहाँ से, पीछे से, पीछे मारे सिर के पीछे से। तो बाप उसका बड़ा सही दिखाया भाई। बोलता भाई उनको तो मिल जाती है ना, क्या मिल जाती है, लड़की। लड़की मिल जाती है। और इसमें वो बग्गा है, बग्गा जी अपने जो कि YouTube से उनके वीडियोस से जो बनाते हैं, ये इनका ग्रुप है जो, वो वहां से निकल के मूवीज में पहुंच गए हैं। और उनका मतलब जो अभी पीछे YouTube फैन फेस्ट हुआ था तो उनको बहुत ही आवाजें लगाई गई थी, उनका इंतजार कर रही थी जनता की कब बग्गा जी स्टेज पे आएंगे। तो देख उनका देखते हैं एक्टिंग मूवी में कैसी एक्टिंग की है उन्होंने। वैसे तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग है उनकी। बाकी यार वो वाला सीन बहुत सही था, जब वो लड़की बात कर रही होती है कि वो कहते हैं मैं बड़े से गुंबद के नीचे खड़ा हूँ। हाँ। तो कोई गंजा आदमी खड़ा है, गंजा आदमी मैं ही हूँ। वो खुद भी वो उसको मतलब उसने कहा नहीं, अरे तुम तो मोटी हो। नहीं कौन है, तो मोटी सी लड़की खड़ी है उसको। यार वही वाली बात ना, उसको बता देंगे 31 साल से पहले शादी नहीं हुई तो लड़का आजीवन कुंवारा रहेगा। भाई एक चीज तो है, पंडित बहुत डराते हैं यार। मैडमों को पटा रहा होता है कि आप चलोगे मेरे साथ, मेरे तो लड़के वाले देखने आ रहे हैं, आप चलोगे। बाप उसका बोलता है यार, बाप बोलता है ये तो वर्जिन ही मरेगा। क्या मरेगा, क्या मरेगा, क्या मरेगा, वर्जिन मरेगा बोला, शान की बात है।
मतलब तेरे अंदर आग दे दिखने लगी आग आग शोला टेस्टोस्टेरोन आ जाएंगे टेस्टोस्टेरोन बढ़ गई है मांस की मात्रा बढ़ गई है तो आग देखो भाई ऐसा है ये फिल्म आ रही है इसके साथ ही बाल आ रही है जो कि खुराना जी की आयुष्मान खुराना की मूवी है और दोनों सेम सब्जेक्ट हैं लगभग उसमें बाला का भी सेम सब्जेक्ट है इसका दोनों फिल्मों की रिलीज में लगभग 20 दिन का 25 दिन का गैप है शायद तो अब देखते हैं बाला का जो रिलीज डेट है वो आगे जाती है या क्या बनता है कैसा दोनों के अंदर की कितनी समानता होगी दोनों की स्टोरी लाइन के अंदर कितना डिफरेंस है वो तो उसका ट्रेलर आएगा तभी पता चलेगा लेकिन इसका अच्छा बनाया उन्होंने और फिल्म ऐसा नहीं है नए चेहरे हैं लेकिन वैसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब आउट हो मतलब बिल्कुल ऐसा है कि नहीं देखने नहीं चलने जैसी मूवी और ज़्यादातर पर ऐसा होता है कि ऐसी जो मूवीज होते हैं उनके ट्रेलर बड़े अच्छे लगते हैं बाद में थिएटर में जाते हो तो वो मतलब वही लगता है कि ये ट्रेलर में डाल दिया था बाकी कुछ है ही नहीं क्योंकि मेन चीज़ कहते हैं जैसे नए चेहरे होते हैं क्योंकि एक्टिंग की इतनी हमें पता नहीं कि उनकी कैसी एक्टिंग हो क्या हो क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि उन्होंने टॉपिक तो ऐसा उठाया कि जो ओबियसली बात है कि इस टाइम आज के टाइम की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाहे लड़का हो चाहे लड़की क्योंकि देखो ऐसा नहीं सिर्फ लड़कों के बाल झड़ते हैं लड़कियों के बहुत बाल झड़ते हैं आज की डेट में तो बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट आ गए हैं इस चीज़ को रिकवरी करने के लिए इतने ट्रांसप्लांटेशन और उसने बहुत अच्छी बात बोली ना कि तुम्हारे ले लेंगे तुमसे पीछे से ले लेंगे वैसे तो पीछे से ले लेते हैं कहीं प्यार का पंचनामा 2 वाले जो है उन्होंने मतलब ये मूवी बनाई है तो वो तो मूवीज अच्छी रही है उनके डायलॉग बहुत ही बढ़िया रहे और पूरी मूवी वो एंटरटेनिंग होती है तो होप ये भी मूवी वैसे ही एंटरटेनिंग होगी अच्छी चलेगी टॉपिक वैसे ही उठाया है ना कि जिसमें लगता है कि हाँ भाई तो ये मूवी अच्छी चलेगी और अच्छा मतलब 50-60 करोड़ का बिजनेस कम से कम करेगी अगर गाने पिक कर जाते हैं तो ये जो ट्रेलर था उजड़ा चमन का हमें तो बहुत ही बढ़िया लगा ट्रेलर कॉमेडी फुल मूवी है आपको ये ट्रेलर कैसा लगा है ये हमारा वीडियो कैसा लगा है हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट में कमेंट करके और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन दबा दें आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए और नीचे लाइक बटन है शेयर बटन है अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक बटन दबा दें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ बैठकर देखें ये वीडियो तो अच्छा लगेगा हमें भी अच्छा लगेगा आपको भी अच्छा लगेगा और मिलते हैं नए वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय सी यू